बाइसेप फ्लेक्स करो, अंगूठा आगे लेके जाओ और तेजी से दो रैप पहला सब्सक्राइब का और दूसरा बेल आइकन का फॉर ऑल द हेल्दी अपडेट्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दिस ड्रामेटिक एंट्री? इस ड्रामेटिक एंट्री की जरूरत थी क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें हम तीन चीजें करने वाले। ए, पहले 1500 कैलोरीज का शेक बनाना है, खतरनाक शेक होगा, मतलब बहुत सारी कैलोरीज हैं। बी, एक नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा, नितिन शर्मा करके एक नाम होगा किसी का जो कमेंट करेंगे, और वो मेरे क्लाइंट है जिनके ऊपर मैं यूज़ कर चुका हूँ, ताकि किसी को पूछना हो कि कैसे पीना है या फिर कितना पीना है, आप पे कैसा लगा, तो वो सही रहेगा। और सी, मैं इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट जाऊँगा कि चीज़ कैसे बनती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स भी डाल दूंगा इन केस यू आर लेजी टू गेट इट फ्रॉम योर ओन सुपर मार्केट, लेकिन सारी की सारी चीज़ें हैं बहुत सस्ती हैं, ईजी टू मेक, और 1500 कैलोरीज ऐसे बनेगी। सबसे पहले नितिन, आप कमेंट कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू, और मैं पिन कर दूंगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो शेक को 2 साल से पी रहे हैं और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होंगे उस चीज़ के बारे में, तो मैं चाहता हूँ आप उसको एड्रेस कीजिए। अब नितिन का गोल थोड़ा एक्सट्रीम था क्योंकि US में रहते हैं, इनको कॉलेज फुटबॉल जो रग्बी भी बोलते हैं वो खेलना था और इनको 100+ किलोज जाना था, तो इसलिए शेक का मैंने एक्चुअली इजाद या इन्वेंट किया था। लेकिन बाकी लोगों के लिए आई वुड से कि शेक को 2 सर्विंग्स में डिवाइड कीजिएगा। तो जो पहला हमारा इंग्रेडिएंट है शेक का वो है ओट्स, और उसमें हम 150 ग्राम ओट्स डालेंगे। अब ओट्स इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, उसमें प्रोटीन भी ठीक होता है, फाइबर अच्छा होता है, और यूज़ जो नॉर्मल मार्केट में क्वेकर ओट्स आते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रीडियंट्स का लिंक भी डाल दूंगा वैसे। तो इसको आप पहले ब्लेंडर लीजिए, ब्लेंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, इसका पूरा आटा बन जाना चाहिए क्योंकि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और इतनी सारी अच्छी हाई क्वालिटी कैलोरीज आपको एक साथ मिल जाती है। पहला इंग्रीडियंट ओट्स ग्राइंडेड एंड डस्टेड। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा। अब हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है दूध। दूध लेना है गाय का, भैंस का, बकरी का, इनमें से ऊंटनी का लेना है, वो भी किसी का भी चलेगा, लेकिन क्वांटिटी है 500 ml, होना चाहिए फुल फैट। और इसके साथ एक नसीहत है, वो क्या है, दूध एक कमाल का पोस्ट वर्कआउट भी है, इसमें कार्ब्स हैं, अच्छा गुड क्वालिटी प्रोटीन है, केसिन वे दोनों ही होते हैं इसके अंदर, फैट भी अच्छा होता है, CLA जो जिसके सप्लीमेंट्स बिकते हैं, एक अच्छी होल फैट डेयरी में वो भी मिलता है। लेकिन एक जो नसीहत मैं देना चाहता था वो ये था कि अगर आपके गली मोहल्ले में कहीं पे अगर थोड़े ज़्यादा पैसे दे के अच्छा दूध मिलता है तो प्लीज़ टेक इट। जैसे 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो कहीं जगह मिलता है, इन द लॉन्ग रन ये ठीक रहता है, हमें लगता है बहुत महंगा होगा, लेकिन इट्स फाइन, आप इन्वेस्ट कीजिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए। और आप पहले जिन लोगों को दूध नहीं पचता उनके लिए मैं नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि आई नो डेयरी हर किसी को सूट नहीं करती है, लेकिन जिनको करती है उनके लिए ये प्लान और ये शेक इज़ अ किक एस वन। अब जो नेक्स्ट आइटम है इट्स वेरी सिंपल, बड़े आराम से मिलती है, इट्स अ पीनट बटर। मार्केट में कुछ वेरिएशंस आते हैं वो मत लीजिएगा क्योंकि उसमें चीनी भर भर के होती है, डोंट वांट एडिशनल शुगर। सेकंड ऑप्शन आता है जैसे अल्पिनो हो गया, एज इट इज़ हो गया, इनका नेचुरल पीनट बटर आता है, इट्स लाइक वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती, 100% पीनट होता है। लेकिन द चीपेस्ट ऑप्शन है, यू कैन मेक पीनट्स जो आपको 130 रुपये किलो पड़ेंगे और आपकी जो बटर है दैट इज़ लाइक उसी रेट में पड़ जाएगी। तो आई हैव अ वीडियो ऑन इट कि आप कैसे खुद पीनट बटर घर पर बना सकते हैं और यूज़ कीजिए। टोटल क्वांटिटीज में यूज़ करेंगे 50 ग्राम, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगेन रिमाइंड योर सेल्फ दिस इज यू टॉकिंग अबाउट 2 सर्विंग्स, नॉट अ सिंगल सर्विंग। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी कोई मास के अंदर शेक बनाता है दूध में बनाना ज़रूर डालता है, केले ज़रूर डालता है, लेकिन मैं नहीं डालता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि दूध और केले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सेट्स कॉम्बिनेशन नहीं बैठते। तो इसलिए जो मेरा अगला कॉम्बिनेशन है ये गुड़ है, इसको जागरी बोल सकते हो। अब ये आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है क्योंकि इट स्टोक्स योर डाइजेस्टिव फायर, तो स्मूदी को थोड़ा मीठा करेगा, थोड़ी कैलोरीज इंक्रीज करेगा, और 3 आपको डाइजेशन थोड़ा बेटर रहेगा। इसलिए गुड़ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि हर जगह मिलता है, इट्स लाइक सुपर डुपर चीप। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी 2 चीज़ें बहुत अच्छी करता है, टेस्ट बढ़ाता है और डाइजेशन इंप्रूव करता है। इसका नाम है खजूर डेट्स, जो कि हर जगह मिलते हैं। इनमें अगेन बहुत सारे विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि इट्स वेरी न्यूट्रिशनल रिच सब्सटेंस। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़, एक टेस्टी कैलोरीज आपके शेक की बहुत बढ़ा देगा, और जिन लोगों को मीठे का शौक है, जागे तो मैंने डाल दी है, थोड़े से डेट्स और आ जाएंगे तो शेक अच्छा टेस्टी हो जाएगा। लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा है बादाम। बादाम नट्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि हेल्दी फैट्स हैं, इसके लिए मैंने इसके अंदर डाला है। एक चीज़ है बादामों के बारे में जो हमेशा से करते आ रहे हैं, वो है कि रात को हम भिगो के खाते हैं,
तो इसके साथ भी वैसे ही करना, रात को अपने बादाम ज़रूर भिगोएं, क्योंकि होता क्या है इसमें कोई एक एंटा न्यूट्रिएंट होता है जो कि बाकी न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हिंटर करता है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो शेक में बादाम ऊपर से डालिए, मस्त टेस्ट आएगा। तो सब मिला के कुल मिला के ये बेसिकली 1500 कैलोरीज हो जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा इफ़ पॉसिबल दो इसको सर्विंग से पीजिए, दो में पचाने में दिक्कत होती है, तीन में पीजिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम आप देखोगे आपका स्टमक इतना ट्रेन हो जाएगा, स्पेशली आप पैसे जिनको बहुत कैलोरीज चाहिए फॉर वॉट एवर रीज़न, आप इस पूरा 1500 कैलोरीज का शेक एक बार में भी पी सकोगे, लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं, लेट योर स्टमक ट्रेन फॉर दैट। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन केस यू लाइक डिट गिव अ थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।